एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। आज मैंने जो है पम्पकिंस हैं वो बाहर रख दिए हैं और इनके नीचे ना मैंने जिप लॉक के अंदर पेपर प्लेट डाल के फिर रखा है, ताकि ये जो पम्पकिंस हैं ये डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे नहीं रख सकते, वरना ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह ना इनका सर्वाइवल जो चांस है ना वो कुछ डेज और बढ़ जाएगा इस तरह नीचे रखने से कुछ। और ये बाहर मैंने क्यों रखे हैं, क्योंकि अभी हमारे कुछ दिनों में फॉल स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे फॉल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और ये वो वाली चीज़ें हैं जो हम भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बल्कि ये अच्छी ही चीज़ है कि आप एक नया मौसम आप इंजॉय करते हैं, बल्कि आप दिल से खुश होते हैं कि हमें इतने प्यारे प्यारे मौसम मिले हैं। तो इसलिए हमने ये फॉल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे रखा है। तो ये पम्पकिन उसका एक सिंबल है फॉल को सेलिब्रेट करने का। यहाँ पे लोग ना अपने घरों के बाहर पम्पकिन बहुत वेराइटीज़ में डेकोर करते हैं, यानी कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के पम्पकिन, जैसा मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के यानी कि पम्पकिन अपने घरों के बाहर ला के रखते हैं। तो हम तो अभी फ़िलहाल दो ही लेके आए हैं, और जब भी थोड़े से ओवर राइप हो जाएंगे ना तो हम इनको ज़ाया नहीं होने देंगे, हम इसका बनाएंगे हलवा कद्दू, और इस तरह फिर खाया भी जाएगा और ये वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़े से ना ये अभी यानी कि ओवर राइप नहीं हुए, अभी थोड़े से कच्चे हैं ये, इसलिए हमने ना इनको बाहर रख दिया है। अपने कुछ दिनों के लिए अंदर रखना था, हमने कहा कि अभी कुछ दिन बल्कि पहले बाहर रख लेते हैं फिर हम इसको अंदर रख लेंगे। और यहाँ पे ये मैंने अपने गेट के बाहर इसलिए डेकोर किया है क्योंकि जो डोर है ये हमने पेंट किया था, और इसका मैंने बिफोर आफ्टर एक शॉट में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरी वो वाली शॉट नहीं देखी तो जल्दी से जाके वो शॉट देख के आएँ और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा बिफोर आफ्टर आपको लगा है। अंदर जाने से पहले मैंने कहा कि हम अपना जो है वेदर वो चेक कर ही लेते हैं। तो ये देखें, अभी है फुल सनी, लेकिन बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, क्योंकि अब जो मौसम है वो काफ़ी हद तक बहुत बल्कि चेंज हो चुका है। और अगर इस टाइम अगर हम बाहर जाएंगे कोई ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, तो डेफ़िनेटली मैं तो कोई अपर वगैरह पहन के जाऊंगी, क्योंकि स्टोर्स वगैरह में ऑलरेडी बहुत ठंड होती है। तो ये था हमारा वेदर अपडेट, अब चलते हैं हम अंदर। मैं इस टाइम आई हूँ सनरूम में अपना ट्राइपॉड लेने के लिए, मुझे इसकी ज़रूरत है अभी अंदर। और ये रहा मेरा बास्केटबॉल ट्रेनिंग रैक, साथ मेरे हुला हूप्स पड़े हुए हैं, और इन्हीं हुला हूप वाले शॉर्ट की मैं बात कर रही थी जो कि बहुत अच्छी बन गई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जल्दी से जाके मेरी वो शॉर्ट देख के आएँ जिसमें मैंने हुला हूप के अंदर बास्केट डाली है। और ये तो देखें, ये छोटा सा बास्केटबॉल ट्रेनिंग रैक ये क्या कर रहा है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, इसका भी बहुत जल्दी आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में, आने वाली शॉर्ट्स में पता चल जाएगा। जी तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, और आज मैं थोड़ी सी ना मिक्स चीज़ें बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ साग, क्योंकि हमारे यहाँ वॉलमार्ट से फिर से हमें साग मिल गया, लेकिन इस दफ़ा ना मैं 2 पैक्स लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो बना के रख लेती हूँ। पहले वाला जो है वो ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा कि चलो जितना जल्दी बन जाए उतना ही बेहतर है। और इधर मैंने बनाई है भिंडी, जो भिंडी है तकरीबन डन हो गई है, और ये घर की ही भिंडी है। अब जो हमारी भिंडी है ना वो थोड़ी कम लगना स्टार्ट हो गई है, जैसे जैसे अब अक्टूबर स्टार्ट होगा ना तो सारा हर चीज़ यानी कि गार्डन जो है फुल डेड हो जाएगा। तो हमने कहा चलो जितनी निकल आए हम फटाफट बना के पहले खा लें। और इधर मैं बना रही हूँ, यहाँ पे कबाब मैंने रखे हुए हैं, और ये चिकन के कबाब हैं,
क्योंकि कुछ दिन तक फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हैं जो इनवाइटेड हैं खाने पे, तो मैं उनके लिए कर रही हूँ खाने वगैरह की तैयारी। तो कबाब जो होते हैं वो मस्त होते हैं, तो हमारे पास जो ऑलरेडी पड़े हुए थे वो ना हम अभी ख़त्म होने वाले हुए हैं, तो मैंने कहा चलो ना टाइम से पहले बना के रख लूँ, जब तक वो आएंगे तो तब तक मेरे पास ना और ज़्यादा बन जाएंगे। तो बस अब जब चीज़ें वगैरह डन होती हैं फिर ना मैं आपको साग की और भिंडी की फाइनल लुक प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। जी, तो ऐना जो है वो सो रही है और मैं करने लगी हूँ इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। ये बॉक्स मेरा आया है और इस बॉक्स में क्या है तो आप लोग जल्दी से जाके मेरी शॉर्ट देखें, उसमें मैंने अनबॉक्सिंग कर ली हुई है, तो जल्दी से जाएं और मेरी अनबॉक्सिंग वाली शॉर्ट देख के आएं। तो यहाँ पे ऐना के लिए आया है ये बहुत ही प्यारा सा यूनिकॉर्न टिन टी सेट है। तो ये 3+ एज बच्चों के लिए, लेकिन ऐना भी खेल सकती है क्योंकि बिल्कुल ये सेफ है और कितने प्यारे प्यारे हैं। और ऐना पीछे से आवाजें भी दे रही है, तो मैं इसको नहीं खोल के इसको दे ही देती हूँ। बॉक्स कितना प्यारा है इसका, ये वाला, ये तो मैं ही रख लूंगी मेकअप वगैरह डालने के लिए। कितना क्यूट सा बॉक्स है जी। तो यहाँ पे टेबल मैंने सेट कर ली है। ये रही हमारी घर की गार्डन की बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी। आजकल हम बहुत भिंडी बना रहे हैं क्योंकि फिर सीजन ख़त्म हो जाना है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और ये रहा साग, ये वीडियो में बहुत ज़्यादा ग्रीन लग रहा है लेकिन रियल में ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन है। और यहाँ पे बटर जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था, इसलिए मैंने मार्जरीन ला के रख ली है। और यहाँ पे ये मैंने साथ सैलेड बना लिया है। और ये रहा हमारा धनिया पुदीने की चटनी का रायता, जो कि हम भिंडियों के साथ लगा के खाएंगे। और इधर जो है वो मैंने रोटियां बना ली हैं, अब हम जल्दी से खाते हैं, सबको बहुत भूख लग रही है। जी, तो अब हो गई है शाम और खाना खा लिया है, अब सब बाहर चले गए हैं, बस मैं भी बाहर जाने लगी हूँ। हम थोड़ी सी वॉक वगैरह करेंगे और थोड़ा सा ऐसे फैमिली टाइम करेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगी अपने इस व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ, लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।